ये डांस प्लस के अंदर टॉप 15 तक भैया रहे थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यार आप सभी लोग ठीक होंगे। आज देख सकते हैं आप लोग कितनी धूप है और आज है सैटरडे। बाकी आज घर पे क्या नाम है, आज जतिन की छुट्टी है और आज जतिन बहुत मदद कर रहा है। मम्मी के साथ सब्जी बनवा रहा है, खाना पीना खाना कड़ी। क्या बननी है मम्मी सब्जी? कड़ी 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 बना रहे हो? एक बार बोल सकते हो कड़ी कड़ी, दो बार नहीं, एक बार कड़ी। आंटी हरिद्वार गई थी ना, तो वो अपने घर से ना कड़ी लेके, वो वाला से लेके आई है। नीचे वाली आंटी थोड़ी सी खुशी में तो हरिद्वार से मतलब आंटी गई थी ना, तो वहाँ पे मतलब लस्सी लेके आई है। वहाँ से आते वक्त उन्हें पता है कि मम्मी को और हम लोगों को हाँ पसंद है लस्सी वगैरह, तो आंटी हम लोगों के लिए लेके आ गई। बाकी मम्मी ने इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट वगैरह बना लिया, फिर इसके अंदर कढ़ाई के अंदर मेथी चढ़ा दी। मेथी गैस चालू कर दी, चेक कर देना। हाँ ठीक है। अच्छा फोन करता छुट्टी वाले दिन काम नहीं करता ना। बाकी देखो मम्मी ने यहाँ पे टेस्ट बना दिया सब कुछ। पकौड़ी वगैरह डालोगे इसके अंदर? आंटी को थैंक यू। अच्छा जो इतनी दूर से चले के आइए, हमारे लिए लस्सी लेके आइए, जिसकी वजह से आज हम क्या बना रहे हैं। मम्मी बताइए क्या नाम है उसका? मम्मी कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा बन रहा है हमारे घर में। आप लोग भी देखो कैसे बनाते हैं ये लोग कड़ी पकौड़ा। ठीक है चलो, क्या कहना चाहते हैं मम्मी? जी अभी बाद में बताऊंगी। मम्मी की खुशी, मम्मी को खुशी पता लग रही है। देखो अभी कड़ी बनने से पहले देखो कितना हो रही है मम्मी। इसमें डाली मतलब लस्सी, बेसन, ये हल्दी, मिर्ची, ये धनिया। अच्छा अभी लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। फैन तो मेरी ऑडियंस ये सोचे कि मैं क्या मैं मेरे ब्लॉग चैनल कम, ये मेरा रेसिपी वाला चैनल ज्यादा हो गया। इंग्रेडिएंट्स बता रहे हो जिस सब्जी हो गई। खैर कोई नहीं, चलो अगर इसको नहीं आती तो बता देना, मैं मम्मी मेरी सिखा देगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर किसी को सीखनी होगी तो। बाकी चलो भाई, एक बहुत बड़ा पोपट हो गया भाई हमारे साथ। आप लोगों को मैं बताता हूँ, जब मैं वहाँ पे गया हुआ था ना अपनी दीदी के यहाँ पे, मतलब गाज़ियाबाद में पॉपी से मिलने, पीपो से मिल के जब मैं आ रहा था, तो मैंने बताया था कि आप लोगों को पिछले वाले व्लॉग में कि घर पे काम होगा, मतलब लकड़ी वकड़ी का गेट वेट लगने का। तो भाई सीन क्या है, मम्मी ने बात कर ली थी उस कारीगर से। कारीगर से जब मम्मी ने बात करी और उसने ले लिए थे मम्मी से, मतलब पैसे वगैरह ले लिए थे, तो उसने मम्मी कितने रुपये दिए थे आपने उसको? 2000 रुपये दिए थे। अच्छा तो क्या कह रहा था फिर वो? अब आप सीन सुनो। अभी फोन नहीं उठाया, आज के लिए बोला था उसने आने के लिए, कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, अब फोन भी नहीं उठा। और उसने दे दी गोली, उनने सही चूना लगा दिया यार। बताओ फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा है, और अगर फोन एक कोई उठा भी रहा है तो वो उसका फोन नहीं है, वो किसी और का नंबर लिखवा रखा है यार। मतलब देख रहे हो लोग बाग, मतलब 2000 के लिए भी मतलब यार किस हद तक गुजर सकते हैं। अब यार हमें पता होता था यार हम उसे करते ही नहीं। अब किसी के दिमाग में नहीं पता होता ना कि वो सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है क्या नहीं। बट लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से रहे, किसी को कोई काम दे तो बड़े ध्यान से। हाँ स्टार्टिंग में ना कोई भी हो उसका सब कुछ लिखवा लेना, सब कुछ एड्रेस लिखवा लो, आधार कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो या फिर एड्रेस ले लो। उसके बाद दूसरी चीज ना, एक चीज जरूर करो, उनको स्टार्टिंग में पैसे मत दो जो हम लोगों ने गलती कर दी तो भुगत ही रहे हैं। तो भाई जो हम लोगों ने पैसे दिए तो आप लोग मत देना कभी भी किसी कारीगर को। जब काम करना स्टार्ट कर देना, जब एंडिंग का काम हो, जब काम सब कुछ हो जाए, जब जाके उनको पैसे दो, वरना यार तुम्हारे साथ हमारे जैसा सीन होगा। अब कोई नहीं, चलो खैर वो तो शुक्र है वो मम्मी से, पता है आप लोग यू विश्वास नहीं मानोगे, वो मम्मी से मांग रहे थे 5000 रुपये। वो तो शुक्र है मम्मी ने कहा कि नहीं पहले काम करके दो, उसके बाद आप लोगों को हम बाकी पैसे देंगे। बाकी ठीक है चलो, अब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खैर कोई नहीं, 2000 रुपये में यार कहीं ना वो कितना खा लेगा, पूरी जिंदगी तो खा नहीं सकता। खैर एनीवे हाँ, छोटी मोटी बातें होती रहती है। आंटी आओ, आंटी हमारे लिए लेके आई थी स्पेशल मट्ठा। ना ना ना, हम तो सारी आज ऐसे घर पे थे। तो आंटी बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। हम लोग तो भाई पकौड़ी के लिए भी यहाँ पर तैयार कर दी है मम्मी ने। मम्मी ने सॉरी जतिन ने, ओ
ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू, टेस्ट कर रहा था। ये उसका छो पकौड़ी बनाने के लिए उसका बेसन तैयार किया है। तो भाई छोटे मामा का यहाँ पे फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी मामा नमस्ते। आप जैसे बाबी के नाम पे डांस करते हो? हाँ जी हाँ जी। और ठीक हो? अच्छा फरीदाबाद से निकले हो? और कुछ लोग काफी टेस्टी कड़ी बनाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज उनका नाम अनाउंस करो या ना करो। कभी पर तू बता क्या करना चाहिए। नहीं देख जो जो बनाता है बढ़िया भाई उसको तारीफ करनी चाहिए। तारीफ? हाँ भाई बिल्कुल यार, वो तो है। तो मुझे लग रहा है कि उनका नाम अनाउंस कर देना चाहिए, जो जो कड़ी काफी टेस्टी बनाती है, जिनकी मतलब मैंने और हमने खाई भी है। तो पहले नाम पे है भाभी। अरे वो भाभी कौन सी नाम, तो वो तो बता दो। भाभी तो बहुत सारी हो जाएगी, फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी भाभी। अरे नीलम भाभी की बात करूँ भाई मैं, नीलम भाभी बहुत अच्छी कड़ी बनाती है, मतलब कड़ी के मतलब खाना काफी टेस्टी बनाते हैं जितना। अभी नहीं भाभी आ रही है, उसके हाथ का खाना खाना था। हाँ उनकी वेटिंग कर रहे हैं। देखो अभी जब आएंगे वो तो जब भी पता लगेगा टेस्ट का, तो हमें इतना तो हमें पता है कि हाँ वो भी अच्छी बनाएंगी। देख लो भाभी, मोनी भाभी आपके बारे में बात चल रही है, आप भी सुनते रहे ना। चलो आपके भी, आपके भी हाथ के भी कड़ी खा के देखेंगे हम लोग। हाँ फिर हम आपको रेटिंग देंगे कितने देने चाहिए, वो 10 में से 8, 10 में से 9 है जो भी। ठीक है बाकी चलो यार एक काम करते हैं, अभी थोड़ी देर मिलते हैं कड़ी वड़ी जब बन जाएगी ना। ठीक है क्योंकि मेरे को जाना है फिर अभी ऊपर, ऊपर मेरे को करनी है वीडियो शूट। आप लोग जानते हैं कि मैं मोच के लिए वीडियो थोड़ी मेरे को शूट करनी पड़ती है। ठीक है फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है So guys, finally, मम्मी ने बना चुकी है कि कड़ी जो मम्मी बना रही थी, मम्मी और जतिन। ये देखो कितना थक गया ये। तो भाई खाने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, मैंने खा के देखी ना टेस्ट अच्छा बना रखा है। जतिन की मेहनत और मम्मी की मेहनत आज रंग ला रही है, दिख रहा है काफ़ी टेस्टी है मतलब कड़ी। बाकी अभी मैं गया था बाहर तो पिज़्ज़ा लेके आया था, पिज़्ज़ा मैंने सोचा चल मामा के यहाँ पे दे दूँ, क्योंकि मामा का फोन आया। सीए रुद्र वगैरह बोल रहे थे कि भैया हमारे लिए पिज़्ज़ा ला दो, तो मामा का फोन आएगा तो पिज़्ज़ा ला दे भाई, तो अच्छा हो गया इसके डालने के बाद। बाकी कड़ी तो काफ़ी अच्छी है। क्या कह रहे मम्मी आप? पकौड़े? हाँ कड़ी पकौड़ा। हाँ तो मतलब कड़ी होगी तो पकौड़ी तो होगी। देखो ये रहा जैसा, एक बार मैं आपको सब्ज़ी दिखा देता हूँ, ये रही सब्ज़ी। सॉरी मेरे मुँह से गलत निकल गया, कड़ी पकौड़ा। बाकी चलो फिर, और दोपहर के बज चुके हैं इस वक्त 3:30। तो भाई एक काम करते हैं, हम लोग अपना खाना खाते हैं, आप लोग अपना खाना खाइए, फिर शाम को चाय भी मिलेंगे। जतिन बनाएगा अपने हाथों से, हमारा भाई बनाएगा केसर वाली चाय आज। यादगार चाय। सही कह रहे थे, एक काम करना, तेरी दुकान में खुलवा दे छोटू चाय वाला। पैसा ही पैसा होगा। तो भाई फाइनली आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ, जो लोग जानते हैं कि मेरा पैशन क्या था डांसिंग का, और जो मेरे गुरु है आज मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। ये रहे शिवम भैया, बहुत टाइम बाद भैया से मिला, आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ तक कि इनका फेस देख के कुछ लोग समझ गए होंगे ये डांस प्लस के अंदर टॉप 15 तक भैया रहे थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जिन लोगों ने भैया की वीडियोज़ देखी होगी वाला शो, तो भैया कुछ कहना चाहते हो आप? बस भाई सब मेहनत करते रहो, सबको अल्लाह बेस्ट, अपने अपने फ्यूचर पे फोकस करो और डांस करते रहो, जो भी डांसर्स हैं और जो भी जो काम करते हैं बाकी सब करते रहो, सब होता है एक दिन, बिलीव योर सेल्फ। बिल्कुल ये बात फैक्ट है, भैया से भी मैंने आज पता है, आज ही मैंने भैया से बात करी, खूब सारी बात करी, बहुत चीज़ें मेरे को सीखने को मिली भैया से, बहुत चीज़ें मेरे को भैया ने बताई। हमेशा आप लोग मेरे ब्लॉग में क्या होता होगा आप लोग सुनते होंगे कि यार मतलब बहुत चीज़ें सीखी मैंने, मैं हमेशा सीखता हूँ लोगों से, क्योंकि लोगों से सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। बट लेकिन अब भैया ने अकेडमी अपनी न्यू ओपन की है, क्योंकि पहले भैया कहीं और कराते थे, और ये जो अकेडमी है ये सॉरी सिंध बिहार की साइड में है। ये एक बार मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। सॉरी यार, ये देख सकते हो, ये देखो यार, ये चीज़ देख के ना पुराना वाला टाइम याद आ गया कसम से। अभी फ़िलहाल भैया का और मेरा प्लान है कि थोड़ा सा ऐसे ही कोलैब करने के साथ में। बाकी एक बार देखो, ये भैया ने फुल अपने रील्स इंस्टाग्राम पर भी अपना काम स्टार्ट करने वाले वीडियोज़ का। और ये देखो एक बार फुल सेटअप वेटअप ले रखा है जिसे बोलते हैं। और हाँ कुछ टाइम बाद मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ अकेडमी। ठीक है बाकी वीडियो में बने रहना, अब और अच्छे अच्छे मेरी साइड से आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और हाँ जिन जिन भाइयों ने मेरे
मोच पे मेरे को फॉलो नहीं किया है वो जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो आईडी है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी आईडी है @vipulsinghvlogs के नाम से मेरी आईडी है, जाके मेरे को वहाँ पे फॉलो करो। मेरी डांस की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं उनको देखो और सपोर्ट करो, जैसे आप लोग मेरे को यूट्यूब पे प्यार देते हैं वैसे ही मेरे को मोच पे भी प्यार दो। चलो बाकी अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा क्या नाम है कि मैं एकेडमी गए हुआ था शिवम भैया के, शिवम भैया है जो मेरे डांस टीचर, जो मेरे गुरु हैं गुरु, तो उनके पास मैं गया था बहुत। तो आज क्या हुआ तो उनकी एकेडमी मतलब थोड़ा सा काम वाम चल रहा था इसलिए मैं ज़्यादा मतलब शूट नहीं कर पाया क्योंकि क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था कि भैया ना मतलब थोड़ा कुछ काम वाम में बिजी थे वहाँ पे, मतलब थोड़ा अभी स्टार्टिंग की न्यू एकेडमी खुली है, अब आप लोग जानते हैं कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो थोड़ा उसमें बिजी तो रहती है, कभी कुछ रहता है कभी कुछ काम रहता है कभी कुछ काम रहता है, तो इस वजह से मैंने भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत जो मेरे से हुआ मैंने किया। बाकी अब मैं आ चुका हूँ घर पे। बाकी चलो अब धूप काफ़ी हो रही है और गर्मी आप लोग जानते हैं कितनी हो रखी है, और वैसे आप लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी लाइट कहाँ से आ रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो मैंने भी रिंग लाइट ले ली है, मतलब शेंकी भाई ने दिलाई थी मेरे को, कुछ लोग जो पता लग गया होगा पहले ही कुछ लोगों को जिन्होंने मतलब मेरी क्या नाम है इंस्टा की स्टोरी देखी थी तो उस पर मैंने लगाई थी, तो मैंने आज सोचा मैंने कहा चलो आज दिखा देता हूँ आपको भी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, मतलब इसके अंदर 3 शेड है और इसमें जो शेड है ये है अभी मोमी वाइट है और तुम्हारा ये वाइट है, ये नहीं नहीं यार ये मोमी वाइट है, ये ऑफ वाइट है, अरे और ये वाइट है, हाँ मतलब काफ़ी अच्छी है क्वालिटी मैंने ली थी शेंकी भाई ने जो दिलाई थी। तो हाँ अब इस चीज़ को अभी मत समझो कि हाँ कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, देखो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं इसका किसी चीज़ का भी, बट लेकिन हाँ क्वालिटी अच्छी है बढ़िया है मेरी, 14 इंची की है काफ़ी अच्छा है, अगर आपको भी मंगानी हो तो आप लोग भी मंगाओ, काफ़ी अच्छी मतलब वीडियोज़ वगैरह बनती है रील्स वगैरह पर इंस्टा की और अदरवाइज और जो भी एप्लीकेशन है जो रील्स पर वीडियो डालते हैं। तो बाकी चलो यार एक काम करते मिलते हैं शाम के वक्त, बताना कि आप लोगों को भी कैसे लगा मतलब अकेडमी, हम मतलब मेरे टीचर की बननी है भी बता क्या वहां पे चल रहे थे हीरो बन के पूरे चल रहे थे इधर देख के उस पे क्या कहते हैं वो चेयर पे चल रहे थे हीरो बन के अच्छा धीरे बिल्कुल धीरे बन के वाह क्या बात है बहुत बढ़िया। तो भाई बन्नी को अभी मैंने अपना ये शर्ट अभी दिखा, तो बन्नी दिखाने एक बार कैसे लगे आपके बटन दिखा दो, एक बार दिखा दो। तो भाई यहाँ पे आ गए मामा, चलो